देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चार धाम परियोजना मात्र गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम के लिए नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय स्तर पर ये एक महत्वपूर्ण परियोजना। हमारा राज्य उत्तराखंड चीन की सीमा से जुड़ा है, उसके दो जिले चमोली और उत्तरकाशी उसके बॉर्डर पर हैं। सामरिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण परियोजना है। हमारे केदारनाथ परियोजना में केदारनाथ धाम का पूरी तरह से विश्व स्तरीय विकास है, जो पर्यटन को तो बढ़ावा देता ही है, श्रद्धालुओं को भी अत्यंत सुविधापूर्ण वातावरण में यात्रा का मौका देता है। इसके साथ साथ ही लिपुलेख से जो सड़क बनाई गई है वो भी इसके साथ जुड़ने पर सामरिक दृष्टि से वर्तमान में भी और तब भी ये एक महत्वपूर्ण योजना है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ धाम को पूर्ण विकास के साथ उत्तराखंड का विकास किया है। केदारनाथ धाम में जहाँ पुरोहितों के आवास, सरस्वती नदी पर घाट और बाढ़ से बचाव, और इसके साथ साथ ही मंदाकिनी नदी पर बाढ़ के बचाव के रक्षा हेतु पुल का भी निर्माण किया है। केदारपुरी के रास्तों का चौड़ीकरण और इसी के साथ वहाँ पर समस्त सुविधाजनक विश्राम गृह का भी निर्माण किया है। बहुत जल्द केदारनाथ धाम केबल कार से जुड़ा हो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी एक स्थान पर नहीं, किसी एक धर्म और संस्कृति को लेकर नहीं, उन्होंने पूरे भारतवर्ष की संस्कृति को बढ़ाने का काम किया और हमारी जो विरासत है उसके पुनर्विकास का कार्य किया है। हमारे देश के लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग संविधान, और संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पांचों स्थानों को उन्होंने जिस तरह से विकसित किया है वह उल्लेखनीय है। उनका जन्म स्थान मऊ उसको भव्य रूप दिया, और इसी के साथ उनका दीक्षा स्थल नागपुर में पर्यटन की दृष्टि से वो एक आज महत्वपूर्ण स्थान, वहाँ पर उनके अनुयायी पहुँच करके एक उनसे जुड़ी हुई अनेकों अनेक योजनाओं से और उनको जानने में सक्षम होंगे। मुंबई में चैतन्य स्मारक, जिसमें अनेक बाधाएं आ रही थी, इंदू मिल की उस भूमि पे संकट का निवारण कर उसको विश्व स्तरीय बनाया, और दिल्ली में जनपथ पर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर और इसी के साथ उनके महापरिनिर्वाण का अलीपुर पर जो भवन, एक अनोखे भवन का उन्होंने शिलान्यास किया है, जहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने महापरिनिर्वाण, यही नहीं लंदन में जहाँ उन्होंने शिक्षा पाई उस 3 मंजिले भवन को भी खरीदा और उस पर 800 करोड़ की लागत से संग्रहालय बनाया, जिससे बाबा भीमराव अंबेडकर के आर्थिक चिंतन को पूरा विश्व जानकर भारत को जाने। बहुत लंबे समय से अगर मैं ये कहूँ कि जिस समय में ये देश गुलामी का दंश झेल रहा था, उस समय से लेकर आज तक स्मगलिंग के जरिए भी और वैसे भी हमारे देश की धरोहर बाहर जाती रही, और वो संग्रहालयों की और निजी संग्रहालयों के शोभा बनती रही। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को अपने देश में लाने का भी एक बीड़ा उठाया, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं ये कहूँगी कि आज बनारस में माता अन्नपूर्णा देवी का अपने स्थान पर वापस आना एक महत्वपूर्ण बात है, और किस तरह से इसे उन्होंने विकसित किया है ये इससे जाना जा सकता है कि उससे पूर्व मात्र 13 धरोहर वापस आई, और उनके अब तक के समय में 229 धरोहर को वो वापस लाए, और अपने पुरातत्व के अन्य भी
सभी देशों में उन्होंने वहाँ पर चल रहे अपने मिशन को अवगत कराया और प्रयास जारी हैं आज भी कि हम अपने देश की समस्त धरोहरों को लाकर और जिस स्थान की वो हैं उन पर वापस भेजा जाए। इसी के साथ साथ अपने किले की गैलरी में भी उसका एक संग्रहालय बनाया जाए। पूरा देश नतमस्तक है उनके देश के विकास, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अपने देश के प्रति समर्पण के लिए। चंद लाइनों में मैं भी उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। सोने जैसा देश था मेरा, आक्रांताओं ने लूटा था, आदिकाल की सभी विरासत पर संकट सा आया था, मिली आज़ादी रही अधूरी, भारत माता सशक्त रही है। समय गति तो रही थी रखती पर भारत तो रोया था। 8 वर्ष पहले ही सही बसंत का मौसम आया है, माली बन सच्चे सपूत ने चहुदिस देश सजाया है। संस्कृति संभाली विरासत बढ़ाई देश का गौरव बढ़ाया है। सच में अमृत महोत्सव मनाए अवसर मोदी लाया है। धन्य धन्य भारत के मोदी विश्व ने गौरव गाया।